आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर प्रताप चौहान, मैं बात करना चाहूंगी ग्रीन टी को लेकर, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं ग्रीन टी आप पीजिए, वजन आप घटा सकते हैं, बहुत मदद, मतलब हम जिस जिस चीज के फायदे जानना चाहते हैं हम उसको उसी तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रीन टी का ज्यादा सेवन क्या ये भी खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, पहले तो ग्रीन टी लोग जानते नहीं है। ग्रीन टी जापान में हम लोग जाते हैं वहाँ पर पीते हैं, और उसका वजन कम करने से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक चल जाता है, कहीं व्हाट्सएप में चल गया, कहीं एक जिसको कहते हैं ना आजकल ग्रीन टी का फैशन चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों को भारत में ये पता ही नहीं है कि ग्रीन टी होती क्या है। वो समझते हैं वो जो डिप वाला कोई भी चीज़ है वो ग्रीन टी है, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा ग्रीन टी जो है बिल्कुल टी लीव्स, फ्रेश लीव्स होते हैं, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसकी ब्लैक टी बनती है। तो इसमें क्या है, अगर हम ज़्यादा इसको पियेंगे तो उसमें भी कैफीन तो होती है, तो वो हमारे शरीर में नुकसान करेगी। ऐसे अगर आप थोड़ी मात्रा में दिन में एक या दो बार ग्रीन टी पिएं तो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ तभी तक फ़ायदा करती है जब हम उसे उचित मात्रा में उसका प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में लेने से नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। अधिक मात्रा में यदि आप ग्रीन टी पियेंगे तो उसमें पेट में जलन हो सकती है, उसमें एसिडिटी हो सकती है, कई लोगों को सिर में दर्द हो जाता है और उल्टी भी आपको आ सकती है। इसके अलावा चक्कर आना या रात को नींद तक लोगों को नहीं आती, क्योंकि उसमें एक्सेसिव कैफीन होता है, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है। तो हमेशा जो है कोई भी चीज़ लें उसको अच्छी तरह से समझ करके और फिर उसको सेवन करें। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 01294040404। आपके सेहत से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं info@jeeva.com पर। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं www.facebook.com/jeevaayurveda, और YouTube पर जीवा शोज को देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही सब्सक्राइब करें www.youtube.com/jeevaayurveda। तो सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी आपसे सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।